नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, लव रीडिंग फॉर ऑल जोडियक साइंस। ओके, अगर ये रीडिंग जो भी पोर्शंस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो आप एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं आपके सिचुएशन के साथ वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्लीज़ उन्हें ये बोलिए कि उनके जो स्पेशल पर्सन है, क्रश या पार्टनर, उनकी करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन क्या है। डियर टैरो, प्लीज टेल माय डियर व्यूअर्स अबाउट द करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एनर्जीज ऑफ देयर स्पेशल पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। प्लीज गाइड माय डियर कलेक्टिव। आमीन। प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, चलिए उनकी एनर्जीज को देख लेते हैं। ऑलराइट, आपके जो पर्सन है प्रिय दर्शकों, मैं ज़रा और क्लोज ले आती हूँ कैमरा को ताकि आपको आपको कार्ड्स दिखे। ऑलराइट, आपके जो पर्सन है वो जब आपसे मिले थे तो डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इतना पॉजिटिव नहीं था ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मिलते ही वो आपके साथ कनेक्ट हो गए और आपसे आपको देखते ही वो अट्रैक्ट हो गए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ओके, अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। वाओ, प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव है प्रिय दर्शकों, वो डेफिनेटली इमोशनली आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आपसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल, एक मीनिंगफुल फ्यूचर चाहते हैं डेफिनेटली। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जब फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड आता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी शो करता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, आपका उनके जीवन में आना ये उनके लिए एक नया अवसर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आप उनके लाइफ में आए हैं और वो आपको एक्चुअली अपना बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में क्या चल रहा है। तो आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स, थॉट्स, उनके इनर मोस्ट फीलिंग्स भी बहुत पॉजिटिव है। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपके साथ एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ वो जीवन में आगे बढ़े, एक पॉजिटिव चेंज आ जाए आप दोनों की लाइफ में, ये वो चाहते हैं। पेंटिकल्स का कार्ड है तो वो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं आपका ऑरा भी, उन्हें आकाशिक क्षेत्र उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। हायरोफेंट कार्ड शादी का होता है, विवाह का, तो वो आपसे शायद एक आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो आपसे शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली। यही वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं। ऑलराइट, और आपके साथ वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं।
प्रियदर्शी को देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंसेस वो कैसे हैं। तो उनके जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कभी कभी कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, बाधाएं, वो चाहते हुए भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। उन बाधाओं को पार करके ही वो कनेक्ट कर पाएंगे कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद उनके फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल या फैमिली सर्कल में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो उन्हें इनकरेज करेंगे आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद। कोई उन्हें उनकी मदद भी कर सकते हैं, उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। तो कुछ डीले है अपनी परिस्थितियों में, वो तो डेफिनेटली उलझे हैं और सारे ऑब्स्टिकल्स बाधाओं को पार करके ही वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कुछ समय के बाद। कितने समय के बाद देख लेते हैं, क्या कुछ हफ्तों के बाद उनके लिए पॉसिबल होगा आपसे कनेक्ट करना। तो प्रियदर्शकों, कुछ हफ्तों के बाद तो मुश्किल लग रहा है, कुछ हफ्तों के अंदर, 3-4 हफ्तों के अंदर ये मुश्किल है उनके लिए आपसे कनेक्ट करना। ओके, देखिए इसलिए कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है। अब देख लेते हैं क्या कुछ महीनों के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर वो कोई पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं, वो कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं आपके रिलेशन में। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो डेफिनेटली वो कोई एक्शन ज़रूर लेंगे कुछ महीनों के बाद, 6 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे जो आपके रिलेशनशिप को कामयाब बना सकता है। यस, तो फ्यूचर एक्शन कुछ महीनों के बाद, 6 मंथ्स के अंदर पॉजिटिव है। करंट फीलिंग्स भी बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, वो इंट्यूटिवली आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव। प्रेजेंट सिचुएशन, इवन फ्यूचर एक्शन पॉजिटिव होगा। तो आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए, कुछ महीनों का डेफिनेटली आपको उन्हें वक्त देना चाहिए। 6 मंथ्स तक का इंतज़ार तो आप ज़रूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। डिवाइन एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टैरो कार्ड्स है, ओके, ये प्रेजेंट सिचुएशन है जो कि पॉजिटिव है, और ये फ्यूचर एक्शन वो भी पॉजिटिव है। तो उम्मीद है आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे प्रिय दर्शकों। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑलराइट, डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। वाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाएँ। अनवेल योर गिफ्ट्स मतलब आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, अगर आप कोऑपरेटिव हैं, तो उन क्वालिटीज़ की मदद से अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अच्छे से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और अपने गिफ्ट्स को, अपने क्वालिटीज़ को यूज़ कीजिए ताकि आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ये डिवाइन एंसेस्टर्स आपको एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको कार्ड्स दिखें। ऑलराइट, अब देख लेते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, नंबर्स की वर्ल्ड की तरफ से देख लेते हैं।
ऑल राइट, नंबर्स के वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है। 1-6 रीबर्थ। वाओ, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये वापस से रीबर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब एक नए सिरे से आप दोनों अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। 1 और 6 ये दोनों जब मिलते हैं, 1 बिगिनिंग का होता है, 6 रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग। वाह, तो ये कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं डिवाइन टैरो डेक आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स। वाह, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है प्रिय दर्शकों। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, डेफिनेटली वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए ये कार्ड आया है रीडिंग में, क्वीन ऑफ कप्स। आपको भी उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने पर्सन के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उन्हें समझेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपको ज़रूर समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं मून ओरेकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मून ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस देख लेते हैं। ऑल राइट, गाइडेंस कार्ड आ चुका है, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप जो भी कंक्लूजन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, यू नो, जो रिज़ल्ट आप जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, तो वो फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, आपके रिलेशनशिप का जो आउटकम या रिज़ल्ट होने वाला है, वो आपके हाथों में है। इसका मतलब ये है कि अगर सच में आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, ठीक है, तो ही आपका ये जो रिलेशन है ये सक्सेसफुल हो सकता है। आप अगर सच में उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स करने होंगे और फिर आप देखिएगा जो इस रिलेशन का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा और आप दोनों एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। वाह, ये मून ओरेकल की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था। अब देख लेते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड, मिस्टीरियस यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, मैसेज आ चुका है, यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है प्रिय दर्शकों। आस्क विथ लव एंड देयर आंसर मे सरप्राइज यू, येट वॉट एवर दे देयर आंसर बी हैप्पी। ओके, अगर आपने उनसे प्यार से पूछा कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशन में, तो डेफिनेटली वो आपको जो आंसर देंगे ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। यही उम्मीद करती हूँ कि जो सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है ये प्लेजेंट सरप्राइज़ हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपको एक सरप्राइज़ देंगे। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा था कि वो आपको ऐसा जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो जल्द ही आपको एक ऐसा जवाब देंगे जिससे आप खुद भी सरप्राइज्ड हो सकते हैं। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, अब देख लेते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, नेचर की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से भी सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी। इस रिलेशनशिप में आपको सेल्फलेस होना चाहिए, मतलब अपने पर्सन के बारे में आपको सोचना चाहिए। प्यार में कभी भी सेल्फिशनेस नहीं है,
अगर सच में आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो कभी भी आप सेल्फिश नहीं होंगे, क्योंकि प्यार गिव एंड टेक नहीं होता, प्यार देने का नाम है। ठीक है, तो सच में आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उनकी खुशी के बारे में पहले सोचेंगे, वो भी अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से ही सोचेंगे। ठीक है, ह्यूमिलिटी, हमेशा सरलता में विश्वास रखना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, कॉन्शियस एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो रिलेशन है ये कामयाब हो सके, तो जो भी कदम आपको भी उठाना है इन फ्यूचर, वो कॉन्शियसली सोच समझ के उठाना होगा, ताकि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये सक्सेसफुल हो सके। वाह, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, फाइनली देख लेते हैं प्रिय दर्शकों, एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ से, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, देख लेते हैं। आपके लव रिलेशन के लिए, लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। ओके, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है, ग्रहों की दुनिया से, ग्रहों की जो दुनिया है उससे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट से एक मैसेज है रिव्यू, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमेशा पीछे की तरफ देखते हैं, तो आपको रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट है वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको भी इस रिलेशनशिप को रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू कुछ मोमेंट्स, जो टाइम आपने अपने पर्सन के साथ स्पेंड किया है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसिडेंट, अपने पर्सन का बिहेवियर, उसे रिव्यू कीजिए। कोई भी कमेंट, कोई भी जेस्चर, उसे रिव्यू करने की कोशिश कीजिए, तो आप और गहराई में जाकर समझ पाएंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं आपसे, ये आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिव्यू करना, वापस उस बारे में सोचना ज़रूरी है जो ऑलरेडी हो चुका है आप दोनों के बीच। तो अगर आप रिव्यू करेंगे तो आपको अपने पर्सन के बारे में और भी बेहतर तरीके से जानकारी मिल सकेगी, आप उनको और अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लव लाइफ में। प्रिय दर्शकों, पीछे मुड़ के देखना भी ज़रूरी होता है। मैं यही चाहती हूँ कि आपको लव लाइफ में हर वो खुशी मिले जिसके आप हकदार हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सही डिसीजन लें ताकि आपके लव लाइफ में आपको खुशी मिले, तो अपने पूर्वाभास की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पूर्वाभास की शक्ति को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, प्रार्थना, दान, प्राणायाम के अलावा आपको क्या करना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा यानी कि दान, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप अर्न करते हैं, अगर आप अर्न करते हैं पैसा, तो कुछ भी हो सके, जितना भी आप कर सके डोनेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर सके। और जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनके लिए भी आपके मन में दया, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में उनके लिए दया और सहानुभूति की भावना होगी तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको परमात्मा की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, और डिवाइन ब्लेसिंग्स की मदद से आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने प्यार को पा सकते हैं, लाइफ में खुशी पा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो जो भी सजेशंस मैंने दिए हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा प्रिय दर्शकों। वेजिटेरियन, शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिएगा तो आपको डिवाइन ग्रेस डेफिनेटली मिल सकता है। और यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो
ये लव लाइफ है, ये कामयाब हो, सक्सेसफुल हो और आपको खुशहाली मिले। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हुए मैं बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। और उम्मीद है आज के टैरो स्प्रेड से, टैरो रीडिंग से और ओरेकल रीडिंग से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी आपके लव लाइफ के बारे में। अपना ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, नमस्ते।